सो गाइस, क्या आप अपने चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं बट आपके पास पैसे नहीं है चैनल को प्रमोट करने के लिए, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेथड बताने जा रहा हूं जिस मेथड का यूज करके आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पे आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और आपका जो चैनल है प्रमोट हो जाएगा और आपके चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर आने लगेंगे। सो गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना चैनल रिसेंटली लॉन्च किया है, जिन्होंने अपना चैनल नया नया बनाया है, बट उनके समझ में नहीं आ रहा कि चैनल को प्रमोट कैसे करें, क्योंकि जब चैनल नया बनाते हैं आप तो आपके चैनल पे व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आता है। तो ऐसे में हमारे पास जो एक ऑप्शन होता है चैनल प्रमोशंस का, तो ऐसे में ये वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है और आप लोगों को ये टिप्स देने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए, यानी विदाउट मनी। ठीक है, कहीं पे आपको पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे गूगल एडवर्ड्स हो गया, चाहे किसी भी एजेंसी के साथ कहीं पे भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा इसमें और चलिए चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन से वो मेथड है जो आपको यूज करना होगा। सो गाइस, जो सबसे पहला मेथड है वो है चैनल ऑप्टिमाइजेशन का। आपको पता है कि यूट्यूब जो है उसके एल्गोरिदम जो है कैसे काम करते हैं, यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं कि आपका चैनल प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। अगर आपका चैनल प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है तो यूट्यूब आपके चैनल को खुद प्रमोट करेगा, खुद रिकमेंडेशन में डालेगा, सजेशंस में डालेगा। बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको क्या करना होगा, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपके चैनल का जो नाम है वो प्रॉपर है कि नहीं है, आपके चैनल का लोगो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, आपके चैनल पे बैनर वगैरह लगा हुआ कि नहीं है, आपका चैनल किस चीज से रिलेटेड है, अबाउट अस या डिस्क्रिप्शन में आपने प्रॉपर डिटेल्स डाली है कि नहीं डाली है। और चैनल में ही ऑप्शन होता है कीवर्ड्स डालने का, आपने अपने चैनल में जिस भी कंटेंट से रिलेटेड, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड है आपका चैनल, आपने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपने अपने चैनल में डाला है या नहीं, तो इस तरीके से आप अपने चैनल को ऑप्टिमाइज करेंगे। मेथड नंबर टू, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट। इंगेजिंग कंटेंट का मतलब क्या होता है कि आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा जिस टॉपिक को आपके ऑडियंस देखना पसंद कर रहे हैं। अब सपोज आपका कोई कॉमेडी का चैनल है तो आप कभी कॉमेडी बना रहे हैं, आप कभी फूड से रिलेटेड वीडियो डाल रहे हैं, आप कभी एजुकेशनल वीडियो डाल रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपका चैनल जिस भी कैटेगरी से, यानी जिस भी प्राइमरी कैटेगरी से है, आपको उसी कैटेगरी की वीडियोस बनानी है और आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी वीडियो बना रहे हैं उसमें क्वालिटी लेके है। क्वालिटी मतलब अच्छा कैमरा यूज करें, अगर कैमरा नहीं है तो मोबाइल का ही, मोबाइल में अच्छे अच्छे कैमरे आते हैं, ऑडियो आपका अच्छा होना चाहिए, इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। तो आपको बेसिकली उन टॉपिक्स पे ही वीडियो बनानी है जिन टॉपिक्स को आपके चैनल पे देखा जा रहा है, आपके चैनल पे पसंद किया जा रहा है। ठीक है, मेथड नंबर थ्री, यूज सोशल मीडिया। अब आपने बहुत सारे लोग होते हैं जो YouTube पे चैनल क्रिएट करते हैं, YouTube पे वीडियो डालते हैं और YouTube पे ही सारा काम करते रहते हैं, बट अदर सोशल मीडिया जो है उनका फायदा वो नहीं उठाता। अब सोशल मीडिया में जैसे Facebook हो गया, Twitter हो गया, LinkedIn हो गया, Instagram हो गया, जब आप वीडियो को अपलोड कर लेते हो YouTube पे तो इन प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। अब जैसे Facebook पे 2,000-3,000 ऐसे फ्रेंड्स होते हैं लोगों के, 500 फ्रेंड्स होते हैं, तो आपने जो भी वीडियो बनाया उनका लिंक्स आप अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, लोग अवेयर हो जाएंगे आपके कंटेंट से, आपके चैनल से, तो आपके चैनल पे सोशल मीडिया के थ्रू भी अच्छा खासा व्यूज, अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका चैनल पे व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका चैनल प्रमोट होना स्टार्ट हो जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। मेथड नंबर फोर, कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स। अब आपने देखा होगा कि आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप वीडियो बना रहे हैं तो उस कैटेगरी से रिलेटेड और भी लोग होते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको उनको लिंक्डइन पे फॉलो करना है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, फेसबुक पे फॉलो करना है और किसी ना किसी तरह से उनसे कोशिश करना कि आप कनेक्ट हो जाएं। कनेक्ट होने के बाद थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेज, किसी भी तरीके से आपको कनेक्ट होना है और उनके साथ कोलैबोरेटिव वीडियो बनानी है। कोलैबोरेटिव वीडियो बनाने से क्या है कि आपको कुछ नए व्यूअर्स मिल जाएंगे, कुछ नए सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, क्योंकि आप जिनके साथ कोलैबोरेट करने जा रहे हो सकता है उनके चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों और वो मान जाए आपके साथ कोलैब करने के लिए, तो उनके भी सब्सक्राइबर आपके चैनल पे आएंगे और आपकी वीडियोस देखेंगे। बट ये जब ही असरदार है जब आप रेगुलर क्वालिटी कंटेंट अपनी वीडियो पे डालते रहें। एक बार अगर किसी से कोलैबोरेट करके अगर आप कुछ 1,000-2,000 सब्सक्राइबर अपनी चैनल पे ला भी लेते हो तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जब तक अगर आप कंटेंट रेगुलर नहीं डालोगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो किसी के साथ तो। मेथड नंबर 5, एसईओ टेक्निक। एसईओ टेक्निक से क्या है कि आप अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हो यूट्यूब, और जब आपकी वीडियो रैंक करेगी यूट्यूब में तो वहां पे ऑर्गेनिक व्यूज बहुत ज्यादा आपको
मिल जाएंगे। अब SEO टेक्निक का यूज हम कैसे करेंगे, अब कोई भी वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपने अपनी वीडियो का टाइटल प्रॉपर तरीके से लिखा है कि नहीं, अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से डाला है कि नहीं, वीडियो का टैग्स अच्छे से डाला है कि नहीं डाला है, जो सर्चेबल टैग्स हैं जिस पे सर्च आ सकता है, आपने थंबनेल प्रॉपर तरीके से डाला है कि नहीं, और जो भी प्राइमरी कीवर्ड्स होगा जिस पे ज़्यादा सर्च आएगा कोशिश करो उसको टाइटल में डालने का, कोशिश करो उसको डिस्क्रिप्शन में डालने का, कोशिश करो इसको टैग्स में डालने का। तो SEO टेक्निक्स का यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा खासा व्यूज़ और सब्सक्राइबर और ट्रैफिक अपने चैनल पर ला सकते हो। मेथड नंबर 6, इंगेज विद योर ऑडियंस। अब आपके चैनल पे अगर जो भी 2-4 लोग देख रहे हैं उनके साथ इंगेज होने की कोशिश करो। अगर आपकी वीडियो पे कोई कमेंट कर रहा है तो उनका रिप्लाई करो, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा आपकी वीडियो में, कोई कमेंट करके कुछ पूछा तो उसका आंसर जरूर दो। आप लाइव आ जाओ हफ्ते में एक बार, क्वेश्चन आंसर करो, ठीक है, इस तरह की चीजें एक्टिविटी करके आप अपने ऑडियंस से इंगेज्ड हो जाओगे। अगर आप अपने ऑडियंस से एक बार इंगेज्ड हो जाओगे तो आपकी वो जो ऑडियंस है परमानेंटली आपके चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और जब भी आप कोई वीडियो बनाओगे तो आपके व्यूज उससे आएंगे, आपके सब्सक्राइबर भी ग्रो करेंगे इन सारी चीजों से। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना होगा। सो गाइज, ये 6 मेथड जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है चैनल को प्रमोट करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।